श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का मंत्र विधान उन लोगों के लिए है जो आने वाले षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नौमी को माँ भगवती की साधना करना चाहते हैं। ऐसे तो नवरात्रि की साधना 9 दिन की होती है, लेकिन बहुत जगह पर नवरात्र में भगवती का आगमन षष्ठी को माना जाता है। हम लोगों की तरफ जो हमारा मिथिलांचल है उसमें सप्तमी को माना जाता है भगवती का आगमन। तो षष्ठी रात्रि से भी बहुत सारी पूजाएं शुरू होती हैं, बहुत सारे तांत्रिक विधान शुरू होते हैं। आज मैं आपको एक कानिफ नाथ जी जो हमारे कुलगुरु हैं उनका दिया हुआ एक मंत्र बताऊंगा और मंत्र विधान बताऊंगा। देखो, साबर मंत्र में बहुत ज़्यादा मंत्र विधान नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे भाव होते हैं जिससे कि आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवती का जो हम लोगों में साधना होता है उसमें एक चावल का गोल बनाया जाता है, उसको पूरे चावल से घेरा जाता है, फिर उसमें सिंदूर से एक त्रिशूल बनाया जाता है। इस यंत्र के बाहर मध्य में एक दीपक जलाया जाता है जो कि घी का होता है। ठीक है, जितने दिन आप साधना करेंगे उतने दिन इस यंत्र के बाएं यानी अपने दाएं तरफ एक लाल फल रखेंगे जो कि साधना के बाद आप उठाएंगे और उसको विसर्जित कर देंगे। एक फल आप ऐसे रखेंगे, वो भी लाल रंग का होगा, और उसको दूसरे दिन किसी कुमारी कन्या को आपको दे देना है। ठीक है, इसके अलावा भगवती को जो काले उड़द का बड़ा होता है वो दही के साथ बहुत पसंद है। देखो, जो आप बाज़ार से दही बड़ा लाते हो उसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं, हाँ, उसमें नमक होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि नमक और अशुद्धियों वाला दही बड़ा जो है भगवती को ना दे। काला उड़द खरीद के लाओ, उसको हल्का सा बॉईल कर लो, बिल्कुल हल्का सा, उसको पीस करके फिर उसको सरसों तेल में छाँक लो। ठीक है, तो वो बड़ा हो जाएगा, दही हो गया, ये आपका मूल प्रसाद हो जाएगा। इसको भगवती के सामने रखना। दीपक 4 दिन अगर अखंड कर पाओ तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, लेकिन अखंड दीपक जो है वो चौमुखी होना चाहिए। ठीक है, भगवती को धूप दीप लगातार देते रहो। तो ये सारी चीज़ें तो लगभग आप समझ गए कि क्या क्या भगवती को चढ़ाना है। आसन लाल रखो क्योंकि सुरक्षा के लिए है। अगर किसी पे प्रयोग करना है आगे चल करके, प्रयोग के लिए इसको अगर साधना चाह रहे हैं आप, तो फिर आप जो है आसन काला भी रख सकते हैं। दिशा कौन सा रखेंगे? आगे प्रयोग करना है दूसरे के लिए तो दक्षिण दिशा रखेंगे, नहीं तो पश्चिम दिशा रखेंगे जब हम इस साधना को करेंगे। माला जो है रुद्राक्ष की होगी, ये बात ध्यान रखना कि ऐसे तो माँ भगवती की जब पूजा रात्रि में होती है तो उसमें रुद्राक्ष का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस विशेष साधना में देखो, ये साधना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है इसमें महत्वपूर्ण? इस साधना में भगवती के साथ भगवती का आवाहन करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हैं। इसमें महादेव जो कि मूल आदि शक्ति और जो महादेव हैं उनका जो बीज मंत्र है हंसा है। इसमें जो गायत्री के बाद प्रथम भगवती का 3 रूप आया, ह्रीम श्रीम क्लीन, तीनों बीज मंत्र है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये एक ऐसा साधना है, एक ऐसा विधान है जो कि अचूक है। तो इसको कौन करेंगे? इसको सारे साधक कर सकते हैं। जो भी अपने आप को साधक समझते हैं या फिर जो भी समझते हैं कि उनको साधना करनी चाहिए जीवन में जो भी विपत्ति है उससे निकलने के लिए, तो फिर वो ये साधना कर सकते हैं। मंत्र मैं आप लोगों को 3 बार सुनाऊंगा, उसके बाद इसका हवन विधान बताऊंगा। ठीक है, मंत्र साबर है, चलंत भाषा में है, तो ध्यान से सुनिएगा। सत नमो आदेश गुरु जी को ओम गुरु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश संग सब देव के रुद्राक्ष, प्रकट भई देवी मचकूट छंदनी, असुर विहंडनी सिरसा रक्त पिबंतनी, दुहाई भैरव महाराज की, मेरी भक्ति गुरु कानिफ की शक्ति, ओम हंग सह ह्रीम श्रीम क्लीम फट स्वाहा। ठीक है, अद्भुत मंत्र है, मतलब इसको जो एक माला भी करेगा वो इसकी शक्ति समझ लेगा। माला में बताना आप लोगों को भूल गया था, तो इसको कम से कम 1 माला करना है। जो कर सकते हैं वो 5 या 7 भी कर सकते हैं। 7 माला से ज़्यादा इस मंत्र को नहीं करना है। डेली 5 माला कर लीजिए तो फिर मतलब उसके बाद आप दौड़िएगा, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। फिर से मंत्र सुनिए, सत नमो आदेश गुरु जी को ओम गुरु जी। ब्रह्मा विष्णु महेश संग सब देव के रुद्राक्ष, प्रकट भई देवी मचकूट छंदनी असुर विहंडनी, सिरसा रक्त पिबंतनी, दुहाई भैरव महाराज की मेरी भक्ति गुरु कानिफ की शक्ति, ओम हंग सह ह्रीम श्रीम क्लीम फट स्वाहा। तो इस पूरे साधना में जो सर्वदेव का मंत्र होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वदेव माना जाता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जब रुद्राक्ष से हो तो उसको सर्वदेव माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मचकूट छंदनी मतलब चामुंडा, असुर विहंडनी मतलब जो महिषासुर मर्दिनी है, ठीक है। सिरसा रक्त पीवंती मतलब काली का रूप। तो तीनों जो बीजाक्षर है तीनों इस मंत्र में आ जाते हैं। उसके दुहाई भैरवनाथ की, तो माँ जो है बेटे की बात टालती नहीं है, तो दुहाई भैरवनाथ की मेरी भक्ति गुरु कानिफ की शक्ति, ये बोलना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर मुझसे साधना में कुछ त्रुटि हो रही है तो वो जो हमारे कुल गुरु हैं वो कानिफ नाथ जी संभाले। उसके बाद ओम हंग सह, जो मैं हूँ वो तुम हो, ये शिव शक्ति का बीजाक्षर मंत्र है। हंग सह इसको अजपा गायत्री भी बोलते हैं। ह्रीम श्रीम क्लीम महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती का बीज मंत्र फट स्वाहा। अब इससे जोरदार मंत्र आप लोग इस बार नहीं कर पाओगे। इसका जब आप हवन करोगे तो इसका हवन दशांश में 3 बार होगा। पहला बार जब आप हवन करोगे सिर्फ मधु से करोगे, ठीक है। दूसरा बार जब आप हवन करोगे सिर्फ लौंग से करोगे। तीसरा बार जब आप हवन करोगे तो लौंग तिल गुड़ मधु हवन सामग्री और जितना सुगंध देने वाला जो भी हवन सामग्री आपको मिल सकता है वो सब करके तीसरे बार दोगे। मतलब दशांश का अगर मान के चलो 1 माला रोज कर रहे हैं तो आपको 3 माला इसका हवन करना होगा दशमी के दिन। अच्छा, दशमी में भी कंफ्यूजन मत रखना, सब बोलेंगे कि दिन एक पे एक चढ़ा हुआ है, लेकिन 26 तारीख को दशमी होगी, उसी दिन आप लोग हवन करना, ठीक है। आप लोग नवरात्र में शक्तिशाली हो, ऐसा माँ भगवती से मैं कामना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें आपको बेसिक साधना का आसन बंधन दिशा बंधन मतलब भगोल या तंत्र मार्ग में साधना करने से पहले जितना कुछ आपको जानना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आप सभी पे माँ भगवती देवी दुर्गा कृपा बरसाए रखें। आप सभी को आदेश आदेश आलाप आदेश।